आज हम लोग पैनिक अटैक एंड कैटाटोनिक स्टूपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं पैनिक अटैक। मतलब ये पैनिक अटैक मतलब एक एक्यूट एंगजाइटी कॉज होना, क्या होना, एक एक्यूट एंड पैनिक एंगजाइटी का क्या होना, कॉज होना, उसको हम बोलते हैं क्या, पैनिक अटैक। उसके समय हमें क्या क्या किस चीज़ों से वो सफेस पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, जैसे कि चेस्ट पेन, क्या चेस्ट पेन, फीलिंग चॉकिंग, फीलिंग क्या हो जाएंगी, चौक हो जाएंगी, स्वेटिंग हो जाना, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ों से क्या करेगा वो एक्सपीरियंस करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, पैनिक अटैक। मतलब कुछ ऐसी एंगजाइटी, एक्यूट एंगजाइटी शो होना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाना, उसकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल चौक हो जाना, या कहीं ना कहीं क्या उसको चेस्ट पेन होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, पैनिक अटैक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या हो, तो इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या है, एग्जैक्ट कॉज नहीं है, एग्जैक्ट क्या है, अननोन है, जो एग्जैक्ट कॉज क्या है, अननोन है, कि एग्जैक्टली हमने बताया कि इसी की वजह से वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, तो उसके लिए एग्जैक्ट कॉज क्या है, अननोन है, तो ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, कि अगर पेशेंट पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है तो हमें उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो क्या स्वेटिंग पेशेंट के अंदर हमें क्या मेरे लिए देखने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में क्या मिलेगा, पेन, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंगजाइटी से तो हार्ट फंक्शनिंग क्या स्लो हो जाती है, और चेस्ट पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो सकता है, चेस्ट पेन होने के चेस्ट पेन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका फीलिंग ऑफ चॉकिंग, तो जो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे, मतलब वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगा, अच्छे से किसी भी फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी इसकी फीलिंग है क्या हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगजाइटी से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में उसकी जो फीलिंग है वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल चौक हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें फियर, पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, फियर, बहुत ज़्यादा डर, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नोज़िया, और पेशेंट के हमें क्या देखने को मिलेगा, नोज़िया, तो ये कुछ सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग होना, चेस्ट पेन होना, या उसकी फीलिंग है जो चौक होना, जो भी उसकी फील करना है वो फीलिंग कैसे हो जाएगी, बिल्कुल चौक हो, किसी भी फीलिंग को हासिल या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट उसका क्या होगा कि कहीं ना कहीं फियर हो सकता है, डर, बहुत ज़्यादा डर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसमें नोज़िया, हमें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में नोज़िया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट, कि क्या इसका मैनेजमेंट होगा, तो हमें फर्स्ट क्या कहना है, रेश्योरेंस करना है कि किसकी वजह से उसकी कंडीशन सो हो रही, तो फर्स्टली हमें कन्फर्म करना है कि पेशेंट में जो पैनिक अटैक है उसका क्या, किस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है, उसका क्या कॉज है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्च फॉर कॉज, तो उसका कॉज पता करना है, फिर क्या करना है, उसके कॉज का पता करना है, तो कन्फर्म करना है, क्या करना है, रेश्योरेंस करना है, फर्स्ट क्या करना है उसका, रेश्योरेंस करना है, उसका हमें कॉज के बारे में पता करना है कि किसकी वजह से ये चीज़ दिख रहा है, देन उसको हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट में क्या देना है, डाइजेपाम देंगे 10 mg क्या देना है, डाइजेपाम देना है, क्या देना है उसे हमें, 10 mg डाइजेपाम। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन से, पैनिक अटैक वाली कंडीशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटाटोनिक स्टूपर, तो कैटाटोनिक स्टूपर मतलब कुछ एक इस तरह की, स्टूपर मतलब पागलों जैसी, या मतलब कहीं ना कहीं एक बेवकूफों जैसी हरकतें करना, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी उन कंडीशनों को या उस हरकतों को एक्सेप्ट नहीं करता, उस तरह की हरकतें करना, उसको हम बोलते हैं क्या, कैटाटोनिक स्टूपर। इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होना, या क्या करना, कुछ भी शब्द बोलना, रिपीटेटिव बोलना, बॉडी मूवमेंट होना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें हो सकती हैं, या प्रॉपरली बॉडी मूवमेंट नहीं होगा। इसका जो एग्जैक्ट वो क्या होगा, इटियोलॉजी होगा, तो वो क्या है, अननोन है, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है कि किसकी वजह से हो सकता है। तो डेफिनेशन मतलब कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट कुछ इस तरह की हरकतें करना या ऐसी एक्टिविटी करना जो कहीं ना कहीं सोसाइटी उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि म्यूटिज्म होगा, निगेटिविज्म मतलब वो नकारात्मक सोचना, बिल्कुल शांत रहना, विड्रॉवल करना, आइसोलेट करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने अभी बताया क्या है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, इसका अननोन कॉज है, कॉज हमें
पता नहीं है कि क्या होगा, कुछ भी कंडीशन की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स देखेंगे तो क्या क्या मिलेंगे, म्यूटिज्म बिल्कुल शांत होगा। नेक्स्ट है निगेटिविज्म, मतलब नकारात्मक सोच होगी। नेक्स्ट स्टूपर, मतलब कुछ इस तरह की हरकतें करना, बेवकूफों टाइप की, बोलते ना बेवकूफ हैं या बिल्कुल ऐसी हरकत, स्टूपर। नेक्स्ट हम देखते हैं ईको लेरिया, मतलब कहीं ना कहीं जो भी है बर्बली उसके प्रॉब्लम होना, प्रॉपरली किसी भी साउंड को क्रिएट नहीं करना या प्रॉपर किसी भी साउंड को बोल नहीं करना या रिपीटेटिव साउंड आना। नेक्स्ट है आपका इकोपेजिया, इकोपेजिया मतलब रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट, क्या होना रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मैनरिज्म, तो उसके जो मैनर है वो बिल्कुल हमें प्रॉपरली किसी भी मैनर के साथ वर्क नहीं करेगा। तो ये सीरियस सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत देखने को मिलेगा या नेगेटिव नकारात्मक सोच होगी। स्टूपर मतलब पागल जैसे, ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें करना, या फिर कहीं ईको ले लिया मतलब रिपीटेटिव वर्ड्स को रिपीट करना। ईकोफेजिया मतलब कोई भी फिजिकली एक्टिविटी, रिपीटेटिव एक्टिविटी करना, किसी भी वर्क किसी भी मूवमेंट रिपीटेटिव मूवमेंट होना बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है मैनरिज्म, तो जो भी मैनर है वो कैसे होंगे, बिल्कुल सही बिल्कुल मैनर से किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं करना, तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट, तो इंश्योर पेशेंट एयर वे, तो फर्स्टली हमें क्या करना है इस कंडीशन में, जो एयर वे है उसको क्या करना, बिल्कुल इंश्योर करना है पेशेंट के एयर वे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना एडमिनिस्ट्रेट आईवी, और देन हमें क्या करना है तुरंत में ही आईवी एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन हमें क्या करना है फिजिकल एग्जामिनेशन, कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या कोई ना कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं, तो हमें ये सारी चीज़ें असेस करना है जिससे हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है मैनेजमेंट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, कैटाटोनिक स्ट्यूपर के, और ये क्या था मैनेजमेंट था, इंश्योर पेशेंट एयर वे, एडमिनिस्ट्रेट आई वी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पैनिक अटैक एंड कैटाटोनिक स्ट्यूपर के बारे में डिस्कशन किया कि पैनिक अटैक मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्यूट एंग्जाइटी शो हो जाना, या बहुत ज़्यादा पैनिक एंग्जाइटी शो होना, उस कंडीशन में हम बोलते हैं पैनिक अटैक। और कैटाटोनिक स्ट्यूपर मतलब कुछ इस तरह की बिहेव करना या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना जिस कहीं ना कहीं सोसाइटी से विड्रॉवल करना, आइसोलेट करना, म्यूटिज्म हो जाना, या प्रॉपरली वर्ड को रिपीटेट करना, बॉडी मूवमेंट रिपीटेटिव होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटाटोनिक, क्या बोलते हैं उसको कैटाटोनिक स्ट्यूपर बोल सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने क्या पैनिक अटैक एंड कैटाटोनिक स्ट्यूपर के बारे में डिस्कशन किया। अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।